मौसम खुल्लम खुल्ला खिल 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 गाए गुल्ला खेलो हिप 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 हुर्रे हुर्रे हुल्ला हुल्ला राजा की खो गई रानी रानी का खो गया गुल्ला ढूंढे एक दुख तिगी चक पंज चक सत अट नहला दहला खुल सिम सिम खुल्लम खुल्ला खिल 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 गाए गुल्ला खेलो हिप 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 हुर्रे हुर्रे हुल्ला हुल्ला धेले का मांग के छुट्टा दुबले ने मुना भुट्टा हाथ जले पात ने खाया फुट्टा अरे आधेले का मांग के छुट्टा दुबले ने भुना भुट्टा हाथ जले तात ने खाया फुट्टा दुबले की सुनकर बोली हाथ दुबले की सुनकर बोली हंसती हकलों की टोली हंस के खेलो होली हंस के खेलो होली हुर्रे हुल्ला रानी का खो गया गुल्ला ढूंढे एक दुख तिग चुक पंज चक सत अट नहला दहला खुल सिम सिम खुल्लम खुल्ला खिल 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 गाए खुल्ला खेलो हिप 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 हुर्रे हुर्रे हुल्ला हुल्ला ने पहनी पगड़ी दुबले पे मर गई पगड़ी मार खाए खार खाए साथ खिलाए रबड़ी बनगट पे आग जली है दुबले की बात चली है अरे दुबले की पगड़ी में गुल्ले की खबर मिली है दुबले की पगड़ी में गुल्ले की खबर मिली है हिप 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 हुर्रे हुल्ला रानी का हो गया गुल्ला ढूंढे एक दुख तिग चुग पंज चक सत अट नहला दहला खुल सिम सिम खुल्लम खुल्ला खिल 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 हो गया गुल्ला खेलो हिप 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 हुर्रे हुर्रे हुल्ला हुल्ला अरुण बाबू आपसे कुछ बातें करनी है कहिए बैठिए देखिए आप दो ही दिन में टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर हो जाएंगे और फिर आप खूबसूरत भी हैं हो सकता है कि आप एक दिन फिल्म के हीरो बन जाएं अच्छा पर एक बात याद रखिए ये शो बिजनेस है और यहाँ दिखावे की बड़ी जरूरत है क्या आप उसी गंदे राम भरोसे होटल में रहते हैं जी हाँ अगर आप तरक्की चाहते हैं तो किसी अच्छी जगह पर ठहरिए माफ कीजिए मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए कॉलेज डेज से लेकर आज तक हम पांचों दोस्त वहीं रहते हैं हमने कसम खाई थी कि जब तक हम सब अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे तब तक एक साथ ही रहेंगे हमारा मोटो है वन फॉर फाइव एंड फाइव फॉर वन हम लोगों में से एक है पांडे उसने शादी भी की है लेकिन अपना वादा निभाने के लिए अपनी बीवी को गांव में छोड़कर हमारे साथ ही रहता है आपको मालूम है हम पांचों को लोग क्या कहते हैं पांच पांडव ऊपर के दोनों कमरों में पांच बरस से यूं चिपके हैं कि जैसे फेफड़ों में टीबी के कीड़े हम उन्हें मकान से निकालने की सोचते हैं तो वो जान निकालने की धमकी देते हैं हम उन्हें किराया बढ़ाना चाहते हैं तो वो हमें कानून पढ़ाते हैं आप कैसे भी कीजिए राम भरोसे जी मैं आपको दूना तिगुना किराया देने के लिए तैयार हूँ कहिए तो पगड़ी भी बीबी और मालिक मकान से कानों में बात करते हैं कितनी पगड़ी देंगे 2000 मैं तैयार हूँ नहीं 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 3000 वो 2000 तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया था फिर सोच लीजिए कहीं ये भी तो मुंह से नहीं निकल गया नहीं 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 ये 3000 बिल्कुल ठीक है ऊपर से 200-300 कागजात और वकील के लिए लग जाएंगे फिर देखिए मैं इन पंच पांडवों को यहाँ से निकाल के ही रहूंगा यूं तो मैंने नौकरों से कह दिया कि इनकी चाय में शक्कर मत देना न खाने में नमक वो देखिए अर्जुन आ रहा है नमस्ते राम भरोसे जी नमस्ते
माधव मेरी चाय ऊपर भेज दे। अरे सुन, ऊपर कौन कौन है? शेखर बाबू और सुरेश बाबू। क्या कर रहे हैं? वही जो रोज करते हैं, शेखर बाबू तस्वीर बना रहे और सुरेश बाबू कसरत कर रहे हैं। 98, 99, 100। अरे भाई शेखर, क्या बना रहे हो? मैं इस तस्वीर का नाम रखूंगा खिड़कियां। खिड़कियां? अरे अपनी खिड़की बंद करके दूसरों की खिड़कियां बना रहे हो? अरे सुरेश मत खोल इसे, मत खोल, बंद कर, बंद कर दरवाजा। मैं तुझे हजार बार कह चुका हूँ कि लड़कियां देखने से मुझे हिचकी आने लगती है। लेकिन कब तक बंद करोगे खिड़की? जब तक दिखेगी लड़की। अरे दोस्त, अगर कोई लड़की आने पे तुल जाए ना तो दीवार फाड़ कर दी। शेखर बाबू, शेखर बाबू हैं? कौन है? जी मैं ललिता हूँ जी। आपने मुझे कहा था ना जी कि मैं दोपहर को आऊं। मैंने कहा था जी? कहा नहीं था आपने? मैंने बोला दोपहर का भी कोई टाइम होता है जी। आप बोले दोपहर को ही तो मैं अकेला होता हूँ, तुम उसी वक्त चली आना। आप अकेले हैं ना जी? जी हाँ जी, नहीं ये बात है जी। नहीं सुरेश नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी लड़की को नहीं बुलाया। तू तू इसे भगा दे सुरेश, तू इसे भगा दे। आप? मैं ललिता हूँ जी, मुझे पीठ तो न दिखाइए शेखर बाबू, इतनी दूर से आई हूँ, मेरी इज्जत तो रख लीजिए। मेरे पास कोई जगह नहीं इज्जत रखने के लिए। हाय मैं मर गई। तुझे मालूम है लड़की देखे मेरी क्या हालत होती है, फिर भी तू? अच्छा अच्छा अच्छा, आज मेरे गाना फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड हुआ है। ले मिठाई का। चाय मगर बगैर शक्कर। क्यों? मैनेजर साहब का हुक्म है, आज से चाय में शक्कर बंद। लो हमारी शक्कर बंद करेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। घबराइए नहीं बाबूजी, मैं अलग से लाया हूँ पुड़िया में। अरे वाह, यो माधव यो। अरे अगर तू कहीं छोकरी होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। अगर मैं छोकरी होता बाबूजी तो आपसे थोड़ी शादी करता। तो फिर किससे करते? इनसे। ए, ये चाय किसके लिए? पांडे बाबू के लिए। पांडे? हाँ। कहाँ है वो? छत पे चिट्ठी बांट रहे। अरे ठे 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 ठे। सुरेश जरूर उसकी बीवी की चिट्ठी होगी। ए, वो तेरी भाभी है कमीने। पांडे की बीवी है, लू पांडे की बीवी है, तेरी बीवी नहीं। सुरेश जन्म जन्म के स्वामी दासी का प्रणाम। प्रणाम भाई, हम यहां हम लोग कुशल मंगल से हैं, तो हार कुशल मंगल भगवान से रोज मांगीला। तू तो वहां जाके हमका एकदम ही भुलाई दे दहीला। नहीं हो सीता, ऐसा बात नहीं हो, तू तो हमरे रोम रोम में रमी हाओ। हमार कसम सच बतावा, कौनो सौतन से आंख तो नहीं लग गई हाऊ। छी 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 छी, अरे तोहार कसम यहाँ कौनो तोरे पैर का धूलो नहीं। और फिर हमार तोहार जोड़ी तो राम सीता का जोड़ी है ना। अरे बोला ना। अरे जालिम सिंह, तोहरी याद में तो मछली की तरह तड़पत है। तोहार फोटो तकिया का नीचे रखकर सोच है तब हाउ चैन नहीं आवत। ये आधी फोटो से काम नहीं चले। अब के जब हम गांव आवेंगे ना तो पूरी फोटो खींच लाएंगे। हाँ ए जालिम, थोड़ा नजदीक आओ और थोड़ा आ जाओ। अरे जरा देखने नहीं यार। अरे पता है अरुण, हमारा फोटो दे दो, ये तेरा का, ये तो। अरे भाई हमार जोरू का मतवल हमार फोटो हुआ। वाह वाह वाह, ये तो हमारी भाभी का है, भाभी का। अब हम तुमको और उनका कैसा समझा? अरे भाई तो हार भाभी हमार दिल का चाबी है। क्यों सब चुप क्यों हो गए? पूछोगे नहीं नौकरी मिली या नहीं? मैं ही बताता हूं, नौकरी मिली नहीं और मिलेगी भी नहीं।
तो यूं मुंह लंबा करने की क्या जरूरत है? हा? अरे हम लोग सब मर गए हैं क्या? एक सलवा, हम पांच एक के हैं और एक पांच का। हाँ यस, वन फॉर फाइव, फाइव फॉर वन। और पंचों में परमेश्वर होता है बुद्धू। अरे मत भूल, सुख बांटे तो दुगना हुई ले और दुख बांटे तो आधा। फिर कहे की बाधा। अरे अब तो हंसते गधा। हंसते? अब तो हंसते किशन। कैसे हंसूं? कब तक तुम पर बोझ बना रहूंगा? कब तक दोस्तों के एहसान पर जिंदा रहूंगा? यार किशन, ये हद हो गई है। यारों की तो भद हो गई है, सिर्फ एहसान ही बाकी रह गए। दोस्ती यारी रद हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो। एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। अरे जल बिन तरफ मछली कैसे, नल बिन तरफ पानी, जल बिन तरफ मछली कैसे, नल बिन तरफ पानी, क्या 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 क्या। जल बिन तरफत मछली कहते, नल बिन तरफत पानी हो, जल बिन तरफत मछली कहते, नल बिन तरफत पानी, अर्थात पानी बिना चलते। अशना नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के जो कह दे वही होगा। ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के जो कह दे वही होगा। ओए जम के एक जमादी, दूध का दही होगा तो दूध का दही होगा। मेरा क्या प्रभु कहते हैं पीड़ा, जीवन काज कदम कष्टीरा। भाई मेरा क्या प्रभु कहते हैं पीड़ा, जीवन काज कदम कष्टीरा, अर्थात कष्ट बिना ये जीवन आसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन, पांच से पांच मिले तो पचपन, पांचों साथ है तो। नुकसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है। और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता जब दोस्ती होती है। माधव जी, ऊपर वाली स्विच कौन सी है रे? ये बंद कर। अरे अरे ये, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो फिर उड़ गए, कमाल है। अरे मैनेजर की कमरे से बराबर बत्ती आ रही है। ये उसी की शैतानी है। अरे पहले चाय में शक्कर बंद कर दिया, बाद में लाइट मार डालो, खून कर डालो। पांडे एक बात बता यार। बोल। मैनेजर का खून करने से क्या वही सजा मिलेगी जो एक इंसान का खून करने से मिलती है? अरे नहीं, उल्टा पद्मा विभूषण मिलेगा। चला 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 आओ। ये देखो इनकी जल रही है और हम लोगों के कमरे की बत्ती फ्यूज हो गई है। फ्यूज नहीं हुई है युधिष्ठिर जी, मैंने बुझा दी है। क्यों? अरे महावीर अर्जुन जी हमेशा गांडी मत ताने रखिए। बिजली इसलिए बुझाई है कि रात भर जगने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। होती है तो हमारी होती है, आपका क्या जाता है? अरे
क्या बात करते हैं, मेरे होटल की बदनामी होगी। आप जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं ताकि हम ये होटल छोड़ दें। आपने चाय में शक्कर क्यों कम दी? अरे ज्यादा शक्कर से डायबिटीज हो जाती है भीमसेन जी। आप निहायत कमीने हैं, महापाजी हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ नकुल जी, यानी यंगर ब्रदर। सहदेव जी आप भी कुछ फरमाइए। आप चोर हैं, उचक्के हैं, दोनों हाथों से लूटते हैं। भूल हो गई, अब की एक ही हाथ से। तो फिर हम भी एक ही हाथ से। अरे 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 ये क्या कर रहे हैं? कर कुछ नहीं रहे, तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। तनिक आराम कर ले, अगर सेहत खराब होगी तो होटल का नाम भी खराब हो जाएगा। वैसे ही आग बाहर की तरफ आ रही। चला भाई लोग, अंधेरे में इस जानवर का कोई भरोसा नहीं। चलो 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 चलो। अच्छा अगर 5 दिन के अंदर तुम लोगों का टीन पाट नहीं करवाया तो मुझे, अरे माधव जी, पंच पांडव के बाप का क्या नाम था? पांडु। हाँ तो मुझे पांडु नहीं कहना, मुझे। तू क्या कर रहा है यहाँ? जा यहाँ से, रुक जा। बड़े जटी सती ब्रह्मचारी बनते हो और छुपा कर लड़कियां लाते हो, ये सब नहीं चलेगा मेरे होटल में। ओ शराब! एक चाप दूंगा, गर्दन अलग कर दूंगा, समझे? आप लड़की की बात करते हैं, हम तो माँ बहन के सिवा कोई लड़की देखते ही नहीं। अरे नहीं, तुम इसका मतलब नहीं समझे। इसका मतलब है अगर कहीं से इससे कोई लड़की मिल जाए तो वो फौरन उसे माँ बहन बना लेता है। हम इन सब बातों से नहीं करेंगे। फिर कैसे टलोगे? कमरे की तलाशी लेंगे। जान निकाल दूंगा। अरे सुरेश जाने भी दे, जब हम लाए नहीं कोई लड़की फड़की तो फिर क्यों हमारी छाती धड़की? लो भाई तलाशी ले लो, ले लो, सब उठा के देख लो, देख लो। लेकिन आए मैनेजर, अगर कोई छोकरी पोकरी नहीं निकली तो फिर हम तोहरे ऊपर कुत्ता कुत्ता नहीं अपने आप को छोड़ देंगे। यहाँ तो कोई नहीं मैनेजर साहब। देख लीजिए, देख लीजिए, खटिया के नीचे भी देख लीजिए, अलमारी के अंदर भी देख लीजिए, देख लीजिए। मर गई नी। जाओ तुम बाहर जाओ, तुम भी बाहर जाओ। देखिए ये सब इनकी हरकतें हैं, इन्होंने डुप्लीकेट चाबी लगाकर छुपा कर लड़कियां लाओ और ऊपर से घुस रही क्या? कमरा दिन के अंदर ये कमरा खाली कर दो, नहीं तो पुलिस में ये सब हवाला कर दिया। चले आप कर रही है, चलिए चलिए, आप लोग सब चलिए। 15 दिन के अंदर खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो गुड़िया टाइट कर देगा। टाइट करने के बच्चे क्या से बात हुआ? देखा मैंने नहीं कहा था, ये सब दफन के। देख अब यहाँ रहना धर्म नहीं, ये रोज की खिटखिट, कभी शक्कर नहीं, कभी लाइट नहीं, कभी ऊपर से लड़कियां। आज लड़कियां रखी है, कल शराब रख देंगे, हो सकता है। और परसों गोली और बंदूक रख देगा, लेकिन मैं उसी गोली बंदूक से उसका भेजा उड़ा दूंगा। अरे ये तो ठीक है, लेकिन हम भले घर के लड़के इस बदनामी के बाद कैसे मुंह दिखाएंगे? हाँ भाई अब इस होटल वाला को छोड़ ही दे तो अच्छा है, कल से हम लोग कोई नया मकान ढूंढ लेंगे। एक ही समय तेरी नौकरी तो नहीं है, तू और शेखर दोनों मिलकर दिन भर ढूंढना, बाकी हम 3 धंधे वाले हैं, शाम को ढूंढा करेंगे। कहीं कलिंगर की दुकान मिल जाए तो सरबत और रबत पिए, दूसरा मकान यही कहीं है। बेबी, ए, बेबी किसे कहता है? नहीं नहीं देवी जी, मेरा नाम देवी नहीं सुंदरी है, समझे? समझ गए समझ गए, बात ये है सुंदरी। सुंदरी नहीं सुंदरी जी कहो। सुंदरी किससे बातें कर रही है? देखो ना दादी माँ, कभी बेबी कहता कभी सुंदरी। क्या बेच रहे हैं आप? जी हम बेचते बेचते तो कुछ नहीं है, बात दरअसल ये है दादी माँ। क्या कहा? दादी, मैं तुझे शक्ल से दादी दिखाई देती हूँ? नहीं 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 दादी माँ नहीं, बात दरअसल ये है मौसी। चुप कर, तेरी बात नहीं समझी, माफ करिए, इसको बात करने की तमीज नहीं, ये मकान आपका है। नहीं तो क्या आपके बाप का है? लुटिया कमीने। समझ गई,
तेरी बात समझ गई। अजी सुनती हो? अरे मुए अजी सुनती हो, मैं क्या तेरी जोरू भी रू सुंदरी ला। कह तो सही मुए। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उंटी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो। पे ईट जमा कर लो, घर ऊपर ऊपर जाता है, घर ऊपर ऊपर जाता है, आड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग भाड़ा है, फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे, ये 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 रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़के बिजली उजले घंटी उंटी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को दो। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, पांच पांडवा युधिष्ठिरा भीम अर्जुना नकुल सहदेवा, वन फॉर फाइव, फाइव फॉर वन, वन फॉर फाइव, फाइव फॉर वन, थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी पांच जने, शहर में तेरे शरण बिना शरणार्थी हो गए प्यारे। कुटिया न सही कोई खाली कुआ, ऊपर न सही तहखानों में, ऊपर न सही तहखानों में, खाली हो अगर तो जेल सही, शामिल कर लो दीवानों में, कर लो शामिल कर लो दीवानों में, आस पड़ोस उधार मिले तो कुछ नहीं चाहिए प्यारे, रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की बिजली उजली घंटी उनके कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो, रहने को घर दो। और क्या मांगता था? क्या और क्या मांगता? एक प्लेट मकान फ्राई मिलेगा, जिसमें एक कमरा हो, एक बाथरूम हो और एक संडास हो। जी अरे कुछ नहीं, जाओ जाओ। अरे सुरेश, अरे सुरेश क्या खबर है? फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। अरे छोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर तो है ना, मकान का काम हुआ? एक मिला तो है। अरे ओ भाई टेबल वाले, एक फर्स्ट क्लास चाय लाना मलाई मार के सुरेश के लिए। सुरेश किराया कितना? 100 रुपया। 100 रुपया? अरे सुना एक टोस्ट भी लाना मस्का लगा के। कहाँ मिला है मकान? खार ग्राउंड फ्लोर पे। अरे कहीं भी मिले, पाताल में भी मिले, लेकिन कमरे कितने? 3। ए सुरेश आमलेट खाएगा का? यार पहले पूरी बात तो सुनो। बोल बोल। 3 कमरे भी हैं, 100 रुपया किराया भी है, ना पेशगी ना पगड़ी। का? ना पेशगी ना पगड़ी? ए, इस ससुरा मकान बंबई में है या हरिद्वार में है? यार है तो बंबई में,
लेकिन बात यह है कि वहाँ एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं। बूढ़े को हाई ब्लड प्रेशर है और बुढ़िया को आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ये मकान किसी शादीशुदा को दे। हम कंवारों को ये मकान नहीं मिल सकता। अरे भाई टेबल वाले, ये चाय का और टोस्ट मक्खन का ऑर्डर कैंसिल, कुछ मत लाना। बड़े आए थे मकान ढूंढ के, 100 रुपया किराया, 3 कमरे, ग्राउंड फ्लोर। तो क्या हुआ, तू तो शादीशुदा है ना, अपनी बीवी को यहाँ ला। हाँ, ले आओ द्रौपदी को। का कहा द्रौपदी? हाँ। ई का बकवास है। अरे हमार जोरू का नाम है सती सीता, और फिर इस महाभारत में रामायण कहाँ से घसीट लाए हो? और फिर गांव में जो हमारे बूढ़े माँ बाप है उनको कौन संभालेगा? देखो हमारी कोई दो दो जोरू नहीं है, हमारी जोरू नहीं आएगी यहाँ। तो फिर हमारा क्या होगा? अरे होगा का, फिर से एक बार ट्राई मारेंगे। अभी तो सारा दिन हमारे हाथ में पड़ा है। अरे जब ट्राई मारने से भगवान मिल सकते हैं तो क्या बीवी नहीं, हमारा मतलब मकान नहीं मिल सकता? चला उठा, चल चल चलो, कोशिश करते हैं। अरे अब क्या होगा यार, शाम को तो होटल खाली करना है। अरे अब हमका का मालूम भैया कि का होगा, इस उतरा शहर ही ऐसा है, मकान मिलता है तो बीवी नहीं मिलती है, बीवी मिलती है तो मकान नहीं मिलता है। ए सुरेश वो फोटो दे, बिल्कुल हमरा बीवी जैसी है। अरे यार तुझे तो हर छोकरी की तस्वीर में अपनी ही बीवी दिखाई देती है। हाँ भाई आजकल हालत ही कुछ ऐसी ही है। अरे जरा सोच, अगर भाभी को हर मर्द में तुम्हारी तस्वीर नजर आने लगी तो जूता मारेंगे। अरे उल्लू ये छोकरी नहीं छोकरा है, वो है ना अपना एक्टर कमल कुमार। हाँ। उसकी वो तस्वीर बनी थी ना जोरू का गुलाम, उस फिल्म की फोटो है ये। छोकरा में छोकरी? हाँ। छोकरा में छोकरी। ए सुरसवा, हाँ। वो मकान खार में है ना? हाँ। तो फिर चल। कहाँ? अरे वहाँ। अरे बख्श सर। जी हाँ, मकान का नीचे कैसा खाली है, माफ कीजिए मैंने आपको ऊपर आने की तकलीफ दी, मेरा मतलब समझ गया। जी कोई बात नहीं जी, अगर आप चाहे तो हम लोगों को इससे भी ऊपर पहुंचा दें। जी राम राम, कैसी बात करते हैं आप, ऊपर जाने का तो मेरा वक्त है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डॉक्टर ने हिलना जुलना मना किया है, दिन भर यहीं पड़ा रहता हूँ। बद्री, एक मैं हूँ, एक मेरा नौकर है, दूसरे बीवी और दो लड़कियां हैं जो दिल्ली में पढ़ती हैं, यहाँ आने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। समझ गया ना मेरा मतलब? बद्री तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ और डॉक्टर साहब को बोलो कि माता जी की आंखों की दवा खत्म हो गई है और आपकी दवाई से बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ है, समझ गया ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ मत कहो, उनको यहाँ ले। क्या बताऊं साहब, बीवी की आंखों ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जी हाँ, बीवी की आंखें तो दुई तरफा की परेशानी है ही, जवानी में भी बुढ़ापे में भी। बहुत अच्छा कहा आपने, पहले उनसे कोई चीज छुपी नहीं रहती थी और अब कोई चीज दिखाई नहीं देती, मेरा मतलब है समझ गए ना, इतनी मोटी ऐनक से भी नहीं। अच्छा हाँ। लेकिन ये कब से हो रहा है? खैर छोड़िए इस बात को, आप लोगों का परिवार तो है ना? परिवार तो है, इसकी बीवी मेरी बीवी है, हमारा मतलब है कि दो बीवी अलग अलग। अच्छा। वैसे आपको किराए की कोई तकलीफ नहीं होगी, ये लीजिए 1 महीने की पेशगी, हम लोग शाम को तशरीफ ला रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इसकी रसीद? अरे रसीद का क्या, फिर कभी ले लेंगे, अब तो हमेशा का साथ रहेगा। अच्छा, जी सुनते हो? आओ आओ, ये हमारे नए किराएदार। नमस्ते मौसी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा बेटा। मौसी। हाँ बेटा। आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही समझ लो। अच्छा ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? उंगलियां कहाँ? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सब पांडे का पागलपन है, खामखा पैसे बर्बाद कर दी। उसके दिमाग में क्या है भगवान ही जाने यार, ऐसा लगता है वो अपनी बीवी को लाएगा। अरे बीवी को लाने में तो 4 दिन लगते हैं और तू कहते कि आज ही शाम को वहां जाना है। वो आ गया पांडे। पांडे यार, पांडे आखिर तू करना क्या चाहता है, यूं ही पैसे बर्बाद कर दिए? अरे बाबा शाम तक 2 बीवियां कहां से पैदा करेगा तू? अरे कहीं से भी करेंगे यार, आजकल जमाना उल्टा हो गया, पहले जमाने में बीवियां पैदा करती थी और अब चलाओ सब लाइन में खड़ा हो जाओ, चले आ रहा हूं तू भी। क्यों जैसी बात रे, वैसा क्यों, जैसा कहते हो वैसा करो यार, बोल ना यार, चल जरा खड़ा हो जा। बात क्या है? चलन
अंदर? अरे हाँ अंदर, तू भी चलो। क्यों? अरे चल ना, बोल ना यार। अरे चला, हमको सब समझाते चला। अरे क्या मामला क्या है? अरे यार ये मामला क्या है? दत्त ये क्या? आहिस्ता सुनो तो मेरी। पांडे ये नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सुनो तो। अरे नहीं यार, पुलिस पकड़ लेगी। यार ये पुलिस की क्या खबर है? भगवान जाने। पुलिस पुलिस कुछ नहीं पकड़ेगी, मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ करो। इम्पॉसिबल हो नहीं सकता यार। आओ है कृष्णा पांडे यानी हमार जोरू बड़ी बहू, और ई है अरुणा यानी के छोटी बहू। ऐसे है तो हार जोरू। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये भी तुम ले लो। अरे बेशरम, अपनी जोरू दूसरे को दे। हे भगवान, ऐसे तनिक गौर से देख, हम तोरे वास्ते कितनी खूबसूरत जोरू ले आए। ए पंच पांडव, याद है ना आज तुम लोगों ने होटल छोड़ने का? पाप रे, ये तो सचमुच लड़कियां ले आए हैं। ओ हरि बाबू, ओ पटेल बाबू, ए राम कन्हैया, जल्दी आइए, दौड़िए, देखिए क्या हो रहा है। लुच्चे बदमाश, फिर वही बात। क्या हुआ? अरे औरतें लाया है। अरे हाँ, फिर दो दो जवान छोकरियां। आइए आइए, सब चले आइए, देखिए देखिए इस कमरे में छुपा दिया। खोलो दरवाजा, खोलो। सुनती हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे कौन सी थाली में छेद किया? बोला मन से जीव, लड़कियां कहां गई? लड़कियां कहां गई? ठीक से देख लिया आपने? भूल गए। ए भाई देख लिया, तसल्ली हो गई। अब निकल आई यहां से, चिड़िया घर समझ लिया है कमरे को। जब मन में आया अंदर भूता है। ए हो राम भरोसे टकला, इधर आवा, हमार हर जाना देते जाओ, नहीं तो हम हद तक इज्जत का दावा करब। निकाला 100 रुपया। 100 रुपया? अरे अब भाई 100 रुपया, अदालत में जाओगे तो 5000 रुपया भरना पड़ेगा, समझे? निकाला। अच्छा तो मैं भिजवा देता। नहीं भिजवाने की जरूरत नहीं, हम जाते जाते ले लेंगे। जैसन तुहार मर्जी भाई। अरे मर्जी तो यह है कि तुहार सबसे मोटर चलाए। राम भरोसे का जूता और राम भरोसे का सर, साड़ी, जम्पर, चोली, चूड़िया और नकली बाल मुफ्त। हाथ मिला? नहीं नहीं। अरे का नहीं? औरत मुझसे नहीं बना जाएगा। मुझसे भी? अब अगर पता चल गया तो हम सब जेल जाएंगे। वाह वाह वाह, पहले तो दोस्ती में बड़ी बड़ी डींग मारते रहे कि हम दोस्ती में ई करेंगे, फलाना करेंगे, जान दे देंगे, अब जेल से डर गए, फूस हो गए। ये बात नहीं, बात ये है कि अरे पहले तुम हमारी बात सुनो। मिश्रा जी बेचारे बूढ़े आदमी, उनका तो ब्लड प्रेशर है, पहले माले पे अटका हुआ रहता है, बाहर तक नहीं आता। और उनकी जो बीवी है ना, वो तो बेचारी अंधी है, सामने खड़ी हुई भैंसी भी नहीं नजर आती, फिर किस बात का डर। और अभी अभी नहीं देखा अपने राम भरोसे जी कैसे उल्लू बन गए। तुम दोनों को सचमुच की लड़की समझे। देख किशन, 2-3 दिन की बात है, उसके बाद में भाई कोई नया घर ढूंढ लेंगे और पांचों पांडव वहां चले जाएंगे। पांडे ये सब ठीक है, लेकिन किसी शरीफ आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए। अरे धोखा काहेगा, का हम लोग शरीफ नहीं है? कैसी बात करते हो, वो लोग तो शादीशुदा आदमी इसलिए चाहते हैं कि भाई घर में कोई गड़बड़ ना हो, हम लोग गड़बड़ नहीं करें बस। मगर लड़की बन के रहना शराफत नहीं। देखा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमार मन साफ है, अब आगे तुम्हारे लोगों की मर्जी। 2-4 घंटे के अंदर सबों को ई होटल खाली कर कर जाना है। शेखर का क्या? शेखर चला जाएगा अपनी मौसी के यहाँ। अरुण और सुरेश कोई दोस्त के यहाँ चले जाएंगे, ये बेचारा फुटपाथ पर रहेगा। हम भी 2-4 दिन बाद नौकरी छोड़कर अपने गाँव चले जाएंगे, वहां जाकर खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन वो जो सब कहते थे ना मिलके अंग्रेजी में, बम फॉर फाइव, फाइव फॉर वन, सब खत्म हो जाएगा। सब एक बार अलग हो जाएंगे तो फिर उम्र भर नहीं मिल सकेंगे एक दूसरे से। हमारी बात मान लो, सिर्फ आज के लिए छोटी बहू बड़ी बहू बनकर वहां चले चलो। कल सवेरे मिश्रा जी से कह देंगे कि भाई दोनों बहुएं अपने मायके चली गई। अगर अब भी नहीं मानोगे हमारी बात तो भैया
हम तो ये समझेंगे कि हम बहुत बड़े गधे थे। दोस्ती के खातिर अपनी जुरुआ को वहां छोड़कर दोस्तों के साथ रहे और बहुत कुछ कह दिया है, आगे कुछ नहीं कहेंगे। हमका माफ करो भाई, हम जाते हैं। पांडे अरुण, तेरी क्या मर्जी? जो तुम कहो जी। तैयार तैयार तैयार। उसको पानी पिलाओ। अरे भाई सुनो, अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो यार। दुनिया में दो से आने, एक झूठ है एक सच है। नणम 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 ना। दुनिया में दो से आने, एक झूठ है एक सच है। जीने के दो बहाने, एक झूठ है एक सच है। झूठ कहा के छा गए पापे, सच बोला के मर गए। बात समझ में आई, सीधी बात से घर गए। झूठ और सच दो यार पुराने, दो आँखों में रहते हैं। झूठ और सच दो यार पुराने, दो आँखों में रहते हैं। बारी बारी देख के दुनिया, आँख मार के कहते हैं। पाप पुण्य और पछतावा है, एक ही जाप के दाने, एक ही जाप के दाने हो। दुनिया में दो से आने, एक झूठ है एक सच है। जीने के दो बहाने, एक झूठ है एक सच है। रहने को देखी है यारो एक अनोखी नगरी। रहने को देखी है यारो एक अनोखी नगरी। पगड़ी हो तो छत मिलती है, नंगे सर को छतरी। अरे अंधा राजा देख के हंसते है नगरी के काने, हंसते नगरी के काने। दुनिया में दो से आने, एक झूठ है एक सच है। जीने के दो बहाने, एक झूठ है एक सच है। सच बोला के मर गए, उल्टी बात समझ में आई, सीधी बात से डर गए। झूठ कहा के जा गए पापे, सच बोला के मर गए, उल्टी बात समझ में आई, सीधी बात से डर गए। अच्छा भाई राम भरोसा टकला, हम सब जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 100 रुपया लाओ हमारे हर जाने का, हर जाने का 100 रुपया भाई, जल्दी करो, टाइम नहीं है। चला चला चला, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाइयों, इन मैनेजर साहब के अंतिम दर्शन तो कर लो। नमस्ते। नमस्ते 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 जी। टैक्सी टैक्सी, ओ मोटर वाला।
मजा आएगा। चुपचाप चल, सब हैरान हो जाएंगे। अरे बहन जी, आप लोग बिना खबर दिए ही? यही तो मजे की बात है, हम बस से आ गए। अम्मा बाबू जी कहाँ है? ऊपर। चलिए ना ऊपर, चलिए चल, आ जाओ तुम मजे सामान पर। अच्छा। ना कोई तार, ना कोई खबर। अरे सुनते हो, गीता नीला दिल्ली से आ गई है। गीता नीला जीती रहो बेटे, जीती रहो। अरे तुम अचानक कैसे अटक? ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया ना। अच्छा, तो फिर तार दे दिया होता? तार इसलिए नहीं दिया मामा जी कि इस हाई ब्लड प्रेशर में आपको स्टेशन आना पड़ता। देखा तुमने, आजकल की लड़कियां भी आफत की परकाना है। शायद वो लोग आ गए। वो लोग कौन? नया किरायेदार। नया किरायेदार? दो औरतें तीन मर्द। अरे ये तो विशांत नाम के पिक्चर का नाम मालूम होता है। चलो हिलने चले। अरे अरे कहाँ चली? पहले कुछ खा पी तो ले। हाँ माँ ने खूब याद दिलाया, भूख भी लगी है। घबराओ नहीं यार, चलो अंदर चलो, हम कब डरा देते हैं। चलो चलो चलो। वो कौन आ रही है? अरे वो मिसेस मिश्रा है, मकान मलिकुआ की धर्म पत्नी। मर गया? मर गया नहीं उल्लू, मर गई। घबराओ नहीं, ये बुढ़िया को बहुत कम दिखाई देता है। अब तनिक बाजू में खड़े रहो, शर्मा के औरत जैसा। नमस्ते मौसी। हाँ बेटा। मौसी ये रही छोटी बहू, हमार शेखरवा की जोरू। छोटी बहू, मौसी को प्रणाम करो भाई, करो करो। जीती रहो बेटी, सुहाग बना रहे। और मौसी ये रही बड़ी बहू, ये हमार महारारू, हमार जोहरू। देखा कितना लंबा घूंघट निकाल लिया है, बहुत शर्माती है। बड़ी मौसी को प्रणाम करो। चलो चलो। पर्दा तो औरतों का जेवर है बेटा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटा शेखर जी, कई दिन हुए तुम्हारी शादी को? शादी पापा 5 साल। मौसी इसका शादी को 5 साल हो गए और हमार शादी को 7.5 साल हो गए। अरे तो बच्चे बच्चे कहाँ हैं? बच्चा बात दरअसल ये है मौसी के, छोटी बहू अपने माँ बाप का एक ही लौता बेटा है, हमार मतलब है कि एक लौती बेटी है। इनकी 2 संतान है, वो इनके माँ बाप के पास ही रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो लोग। अब रहा हमारे बारे में, तो मौसी भगवान की कृपा ही नहीं हुई। नहीं बेटा नहीं, भगवान जरूर कृपा करेंगे। अरे मौसी अब इस उम्र में भगवान का करेंगे? 6 साल पहले एक झूला खरीदा था चंदन का पलना, पिछले साल ही निराश होके बेच दिया। भरोसा रखो बेटा, कोई फिक्र नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अंदर तो चलो। चलो छोटी शेखरवास, छोटी को अंदर ले चलो। ए बड़ी बहू, ए बड़ी चलना। अरे बड़ी मजा आ गया। देखा कहां घबरा गए थे तुम लोग, सब ठीक हो गया ना? अब तुम दोनों कल मायके चले जाना, उसके बाद लड़के बन के वापस चले आना। फिर कुछ ही दिनों में हम लोग कोई ऐसा मकान ढूंढ लेंगे जिसमें इस ससुराल टीवी का डिमांड ना हो। पांडे तेरे दिमाग की दाद देता हूँ यार, और बच्चों का किस्सा जो तुमने संभाला ना, कमाल कर। यार तेरा बाल तो खोलने दे, बहुत खुजली हो रही है। अरे नहीं, और थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद सारी रात खुजा लेना भाई। भाभी भाभी घूंघट देखते कहो, घूंघट। भाभी जी हम लोग आपसे मिलने आए हैं। लेकिन हमारा मतलब है कि आप लोग कौन हैं? जी ये मकान हमारा ही है, मेरा नाम है गीता, मिश्रा जी की मैं बेटी हूँ, और ये है मेरी बहन नीला। लेकिन जब ये मकान लिया था उस वक्त ऐसी तो कोई बात नहीं थी, हमारा मतलब कि आप लोग यहाँ रहेंगे और। जी मैं समझी।
मैं सोच रही थी कि आप घबरा क्यों रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हम लोग दिल्ली हॉस्टल में थी, अब यहाँ ट्रांसफर मिल गया, हम यहाँ आ गए। मर गए। चलिए ना भाभी जी, हम लोग दूसरे कमरे में जाके बातें करते हैं। ये बड़ी है ना, अरे मुंडी का हिलाती है जाना। बात दरअसल ये है कि ये गांव की है ना, ये तो अपने पति के साथ भी अंदर नहीं जाती है। छोटी ये जरा बड़ी को समझा के अंदर ले जा। चलिए चलिए, मालिक मकान की बेटी है, जरा सोच समझ के बात करना भाई। मर गए। अब क्या होगा? होगा तो कुछ ना कुछ होगा। आप लोग आ गई हैं, कितना अच्छा हो। नजर ना लग जाए, दोनों भाभियों की सेहत बहुत ही अच्छी है। अच्छा भाभी जी, आपका शुभ नाम? अरुणा। आपका मायका कहाँ है? मैंने नागपुर। कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला तो नहीं भाई, गांव है, गांव, गांव धर्मपुर। बड़ी भाभी आपका क्या नाम है? कृष्ण। नहीं 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 नहीं, कृष्णा कृष्णा, भैया जब प्यार करते हैं तो किशन कहते हैं। अरे ये भाभी आपकी आवाज तो बिल्कुल मर्दों जैसी है। दरअसल बात यह है कि ये बचपन में बहुत अच्छा गाना गाता था। गाती थी। लेकिन गाने से आवाज मोटी तो नहीं हो जाती? ये बचपन में बहुत रियाज करती थी, इसीलिए गला पक गया। इसके बाद भैया ने कितना इलाज करवाया, कितना ऑपरेशन करवाया, मगर कुछ नहीं हुआ। फंस गए दोनों, जाना पड़ेगा। लो हम आ गए। ए बड़ी, अरे तेरे सर का दर्द कैसा है री? भाभी आपके सर में दर्द है? ओ तो आप आराम कीजिए, हम तो रोज आते ही रहेंगे। नहीं जी, उनका उनका मतलब ये है कि तनिक फुर्सत से कहीं आप लोगों के काम में हरज ना हो जाए, इसलिए दो चार दिन बाद में आते रहना। भाभी आप हमारे काम की फिक्र ना कीजिए, हमें तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा चलो। अच्छा भाभी नमस्ते। छोटी भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे ये तस्वीर तो उल्टी है। जी जी जी, वो उल्टी मॉडर्न आर्ट, अगर ये सीधी है तो फिर उल्टी ही अच्छी। हवा करो, हवा करो, मैं ऐसी चला जाऊंगा। अरे ये नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। वो कहेंगे बीवी भाग गई, हर तरफ से बदनाम जाएंगे। हो जा। क्या अरे का हो जाए, तुम तो चले जाओगे लेकिन हम लोग तो नहीं जा सकते ना। हाँ। वो लोग हमको सब की निगाह से देखेंगे और पुलिस सीधा जेल में ठूंस देगी। अब थोड़ी देर के लिए दिमाग ठंडा रखो, हम पर भरोसा रखो, दो चार दिन के अंदर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो जाओ, अपना अपना बिस्तरा पकड़ो। मैं कैसे होऊंगा? तू इसके पास सोएगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बेशरम, तू अगर अपनी जोरू के पास नहीं सोएगा तो फिर और कहाँ सोएगा? उन बूढ़ा बूढ़ियों को पता चल जाएगा ना तो सबको जेल में भेज देंगे, 6 महीना कड़क और 8 आना भत्ता। चलो खिसको। अच्छा चल, तू मेरे पास ही सो जा। शेखर, शेखर कह रहे, देख तो ठीक है कि नहीं? अरे इधर कुछ रह गया, क्या मुसीबत है? नहीं होता। सुनो, और नहीं होता। हमारे हाल पे रहम करो कि हमसे और नहीं होता। रोज ये नाटक, रोज ये मेकअप, चिकनी चुपड़ी मालिश करना, खद्दर जैसी गालें घिस के बोस की जैसी पालिश करना, नहीं होता। आ था जब जन्म लिया था ई, होके मर गई। आ था जब जन्म लिया था ई, होके मर गई। अच्छा था जब पीता था मैं जीता था, मर गई जब से पीती हूँ मैं जीती हूँ। अरे मर गई मर गई मर गई मर गई। आ था जब जन्म लिया था ई, होके मर गई।
असली सूरत भूल गए हैं नकल की ऐसी तैसी हो, असली सूरत भूल गए हैं नकल की ऐसी तैसी हो, आईने में देख के खुद को बोल उठे थे कैसी हो। मर गया अपना पेंट कोट जो धोता था, रह गई मैं ये पेटी कोट है धोती हूँ। अरे मर गई मर गई मर गई मर गई, आ था जब जन्म लिया था ई धोखे मर गई, आ था जब जन्म लिया था ई धोखे मर गई। काहे शोर करत ससुरी, काहे शोर करत ससुरी, ससुरी ससुरी शोर करत ससुरी। औरत जात को चुप ना लागे, एक बोले तो दुनिया जागे। औरत जात को चुप ना लागे, एक बोले तो दुनिया जागे। बोर 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 करत ससुरी, गामा पा पानी सा सनी पमा गामा सो ओर करत ससुरी। पकड़ कर उड़ जाए कागा, आस पड़ोस महल्ला भागा। कान पकड़ कर उड़ जाए कागा, आस पड़ोस महल्ला भागा। मोर 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 बोर करत ससुरी, काहे शोर करत ससुर, करत ससुर करत ससुरी। और न कर अरे और न कर, जरा गौर तो कर, रख मौन बरत ससुरी 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 ससु। चली थी गा
बाप रे, एकदम गले में बाहें डाल दी। अभी तो जाने निकल गई, अब क्या करेंगे बोलो। अब एक ही रास्ता है। क्या? अरे खाने क्यों आते हो? गांव जाकर बीबी को लाना पड़ेगा। हाँ हाँ पांडे भैया, तुम कल ही चले जाओ। भूलब के हमार मेहरारू हमका नहीं पहचाने। कैसे पहचाने? बरस में एक दफे तावल तोहर आवाज तो बदल गया। अरे पापा मर गई ली। कहा भाई? खटा खटा वाला है, शायद हमार हथवा टूट गई। नहीं नहीं, हम अभी ही ठीक कर देते। वहीं ई का एक बार और कर। अरे बाह, दर्द तो दूर हो ही गवा। सच्चू? सच्चू। और कहाँ? और यहाँ। अरे बा, तू तो जादू जाने हूँ। दर्द ऊपर जा रहा है। और यहाँ ठुड्डी पे। अच्छा। अरे आवा ना। अरे आवा ना। का रोत का है हो? तुझे मालूम नहीं हमार का दुख। हम सब जानत हैं सती। का जानत? हमरे के जल्दी से शहर ले जाना, नहीं तो हम अपन जान दे दे। हम तार कसम कर। तू जान दे के तो देखा, दूसरे दिन हम भी फांसी लगाई ले। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं कह के। कहा का कहा? करब मिट्टी का तेल अपना पर डालकर आग लगा ले। तोहार कसम? ए इका, अरे 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 इका कर रहा है। पिताजी का सोचत रही का? बंबई। बंबई? पिताजी आपका बहू बंबई नहीं देखे हो? ओके बंबई दिखा दे। हाँ तो दिखा जावे, बहुत अच्छी बात है। तो टिकट खरीद ली? अरे पगला, खरवास के महीने में कहीं बहू बेटी का विदाई हो ना, अगले महीने में आके लिया जाए। अच्छा अगला महीना ही सही। हम तो चलो तोहरे संगे चलो अब।
कहीं चलब। अरे कैसे चलबू, महीना खराब हो। हाँ महीना खराब, हम कुछ नहीं जानी, बहुत हम मर जाब ना तो तू दूसरे ब्याह कर ली है। अच्छा तो इसका मतलब ही हुआ कि हम मर जाए तो तू दूसर ब्याह कर दो हो? हाँ दैया कैसे बतियावत है, सीधे कह नहीं कहता, ले चले को मन नहीं है, कोनो शहर के छोकरी मन में बसा ली। अरे नहीं रे पगली, खा हमार कसम तोहार कसम, हमार मतलब है कौन छोरी नहीं। सच्चो सच्चो अरे ये लड़की तो कहीं देखी है। अरे वो लीला है रे लीला। ओहो बेचारा शेखर। तो क्यों क्यों इसमें बेचारा होने की क्या बात है? अरे लड़की की तस्वीर बनाना कोई गुनाह है क्या? ये सारी दुनिया जब लड़कियों से भरी पड़ी है फिर लीला की ही तस्वीर क्यों? क्यों इस अबला की छाती पर मुंह दल रहे हो? अरुण अरुण बाबा देख मुझे लीला की बिल्कुल पसंद नहीं है। चल किशन किशन आज ये बाल बिखरे हुए हैं क्या बात है? अरे मौसी ने कहा है कि नहा धो के बाल बिखर के रहना, न जाने क्या बात है। सुन लड़कियों का जरा ख्याल रखना। चल चल। हाय मौसी जी। आओ आओ बाल खोलकर आई हो ना बड़ी बहू। जी क्या बात है मौसी जी? कोई बात है तभी तो इधर आओ। बेटी आओ भगवान की तरफ देखो। बहू घूंघट उतारो, बाया हाथ लाओ, लाओ मेरे पास। देखो महादेव की मंदिर से मैं तुम्हारे लिए ताबीज बनवा कर लाई हूँ। मगर किस लिए मौसी जी? इसे थोड़े दिन पहनेगी तो इसकी गोधारी हो जाएगी। देखो हर सोमवार को व्रत रखना और हर रोज शिव जी की परिक्रमा करना, समझी? लो अब प्रणाम कर लो। आ गई क्या हुआ मौसी जी? बिल्ली कहाँ? वो सोफे के नीचे है। राम मैं तो दूध खुला छुड़ाई हूँ, चल छोटे चल। सुन रही है? आज ये फिर गा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मेरा भी यही ख्याल है। चल अरे अभी अभी क्या हुआ? कौन है? अरे हम हैं पांडे भैया। हाँ ले भाभी कहाँ है? वो नहीं आई, खरवास है ना, 15 दिन बाद में आएंगे। ए अरुण वा कहाँ है? निर्मला कॉलेज में गाने का प्रोग्राम है ना, 500 रुपए मिलेगा, उसी की बातचीत कर गया है। कहा मतबल ऐसे ही बेधड़क चला गया, जानते नहीं इसमें कितना बड़ा खतरा है। अरे वो खतरा तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़कर मेरे साथ हुई। पिताजी का खत आया कि वो आ रहे हैं। मर गए। ए रोक दो उनको, अगर वो यहाँ आए ना तो हम सबकी इज्जत का भांडा बीच बाजार में फटाक से फूट जाएगा। 10-12 दिन के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, लिख दे। कैसे लिख दूं? पहले ही उनकी 4-5 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, कहीं मेरी चिट्ठी मिलने से पहले ही पहुंच गए तो? पहुंच गए तो बाप का राज है। ए अगर वो यहाँ आए ना और देखा कि सब शादी किए बैठे हैं तो फिर शुरू हो जाएंगे, देख तेरे की देख तेरे की। कैसे भी करके रोक दे उनका यहाँ आना, नहीं तो हम सबको पड़ेगा जाना, कटे रहे समझे। अरे यार इतनी रात हो गई ये अरुणवा नहीं आया। लो आ गया। आओ महाराज। अरे महानी आओ आओ जी। नमस्ते। छोटी भाभी कहाँ है? जी वो छोटी भाभी तो बाथरूम में है, न जाने मौसी जी ने कौन सा जादू टोना कर दिया और थोड़ा पेट में गड़बड़ हो गई है। लेकिन माँ ने तो ताबीज बड़ी भाभी को बांधा था, तो फिर छोटी भाभी को क्या शुरू हो गया? वो छोटी, अरे सुनो इतनी जल्दी क्या है, पहले भाई फिर भाभी। ए सरसवा जरा हट, बड़ी जरा उधर खसा, बैठो पहले हमसे बात करो फिर भाभी से।
असल में बात यह है पाले भैया कि हमारे कॉलेज में डिफेंस फंड के लिए एक चैरिटी शो हो रहा है, उसके लिए आप सब लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। टिकट ए बड़ी कुछ माल पानी है, नहीं तो फिर जरा मुश्किल होगा। ए पांडे मेरे पास पैसे हैं। अरे तब तो खरीद लेंगे। क्यों बड़ी? अरुण, ए अरुण, अरुण है वो जो है ना अपनी छोटी, वो जिसका पेट में कुछ गड़बड़ हो गया था, उसका सगा भाई, ये शिखरवा का साला। ए अरुण आओ तो हर परिचय करा दे, ये है गीता बहन, अपने मालिक मकान है ना उसका बेटी, और ये अरुण। अब नमस्ते कर। नमस्ते। अब जाओ जाके दीदी को भेज दो। अरे दीदी 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 नमस्ते दीदी दीदी। कौन है? मैं हूँ अरुण। ओ अरुण तू कब आया? अभी आया दीदी। अच्छा तू जरा बैठ, मैं अभी आई 5 मिनट में। ओहो दीदी तुझसे मिलने एक लड़की आई है। लड़की कौन है रे? मैं पहचानता तो नहीं दीदी, मगर है बड़ी खूबसूरत। अरे आप क्यों शर्मा रही हैं? अरुण ने ठीक ही तो कहा है, आप बहुत खूबसूरत है, चश्मे बद्दूर है ना बड़ी। सुनिए पांडे भैया, ये अरुण कुमार क्या गाना भी गाते हैं? हाँ हाँ गाना भी गा लेता है। अरे तब तो आपको टिकट जरूर लेने पड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमारे कॉलेज में गाना गाने वाले हैं। सत्यानाश जी। हमारा मतलब ये है कि ये अरुणवा गाना तो गाता है, लेकिन जानती हो कौन सा गाना? गा ना, गा ना, गा कमती ना ज्यादा। अगर तुम इसका गाना सुनोगी ना तो दोनों हाथ से इसका गला घोट। माफ करना बड़ी। अच्छा ये तो बताओ ये स्टेज प्रोग्राम कलर में है या ब्लैक एंड व्हाइट में? अरे हंस क्यों रही? ये कोई फिल्म थोड़ा ही है। अच्छा तो स्टेज पे कलर और ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है? स्टेज पे तो जैसा आदमी दिखने में दिखता है वैसा ही दिखता है। ऐसा भाई हम तो पांडे है ना, ना स्टेज देखते हैं ना पिक्चर देखते हैं, यूं ही बोलते। कैसी हो छोटी भाभी? सुना है आजकल आपके पेट में कुछ गड़बड़ है? आजकल तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। ओए माँ। अच्छा तो आप आराम कीजिए, मैं कल आऊंगा। अच्छा अच्छा पानी। अच्छा। अरे तुहार गाना तो ये कपाल कुंडला के कॉलेज में है रे। हाँ मर गई, मेरा मतलब है मर गया। फिर अब तू क्या करेगी? हमारा मतलब है क्या करेगा? अरे करूंगा क्या, समझ लो 500 रुपए गए, कह दूंगा गाना नहीं गाऊंगा। क्या अरुण कुमार नहीं आएंगे? हाँ उन्होंने साफ इनकार कर दिया है गाने से। अब क्या होगा, हमने तो सारे टिकट बेच दिए हैं, वहाँ तो हॉस्टल का बोर्ड भी लगा होगा, अब लगाना पड़ेगा अप्रैल फुल। बाप रे पब्लिक तो बाल नज डालेंगे। मेरे पति यहाँ होते तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल लेते। लीला तू तो हिम्मत वाली है, क्या तू स्टेज पर जाकर कह सकेगी कि अरुण कुमार किसी वजह से नहीं आ सकेंगे? लेकिन वजह क्या बताऊं? कुछ भी कह दे कि अरुण कुमार एकाएक कॉल होने से मर गए। क्या कह रही है, आजकल की पब्लिक तो मुर्दा भी देखना चाहिए। हाँ जिसने पैसे ढीले किए हैं वो तो यही चाहेगा कि मुर्दा ही गाना गाए। हम देश की रक्षा के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन लगता है अब अपनी रक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। होता मेरा पति तो इस बाहर में जाए तू और तेरा पति। छी हमने जोरों के गुलाम आज तक देखे थे, लेकिन गुलाम की जोर कभी नहीं देखे। मेरा मतलब चुप, अरुण कुमार गाएगा। क्या? हाँ मैं एक दूसरे अरुण कुमार को जानती हूँ, लेकिन पब्लिक तो ओफो, पहले बात तो पूरी करने दे। हम उस अरुण कुमार को लाएंगे और उसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, लोगों को बिल्कुल नहीं पता लगेगा। तेरा अरुण कुमार गा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत भी हो और गाना भी गाए, ये तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। लेकिन ये सब कैसे होगा? हम असली अरुण कुमार का टेप बजाएंगे। लेकिन उसका पेट बजाने से क्या होगा? पेट नहीं इडियट, टेप टेप। हम असली अरुण कुमार का टेप या कोई रिकॉर्ड चलाएंगे और नकली अरुण कुमार सिर्फ होंठ हिलाएगा। ओ गीता तो जीनियर से। गीता अगर मीना का पति जगह होता तो तुझसे जरूर शादी कर लेते। लेकिन तेरा वो अरुण कुमार मान जाएगा? मानेंगे कैसे नहीं, मानना ही पड़ेगा, गाना ही पड़ेगा। क्या कह रही हैं? मैं और गाना, लहंगा और नाच, ना बाबा ना। और फिर मुझे गाना वाना बिल्कुल पसंद। तो फिर आप खून भी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, खून उनमें बिल्कुल नहीं देख सकता। अब यकीन मानिए मैं अपना खून नहीं देख सकता। मजाक छोड़िए, इतनी लड़कियों की इज्जत आपके हाथ में है। एक जमाना था जब लड़के लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे, और एक आप है। अरे अरे रोइए नहीं, रोइए नहीं। जो आपने कहा है फिर से कहिए तो, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कह रही थी कि एक जमाना था
लोग लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दब से खेल जाते थे, हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते थे, और आज आज इतनी लड़कियों की इज्जत आपके हाथों में। हाथ में नहीं, आपका मतलब है गले में, है ना? कहिए ना कि आप हमारी लाज रख लेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ओह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपको तो सिर्फ फोट हिलाने हैं जी, जैसा कि फिल्मों में होता है, प्लेबैक पीछे से रिकॉर्ड चलेगा और आपके सिर्फ फोट हिलेंगे। नो, गाना तो मैं खुद गाऊंगा। क्यों आप हमें तबाह करने पर तुले हैं? तरस खाइए हम पर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। चलिए उठिए, चलिए चलिए रिहर्सल के लिए। बात ये है कि आप जरा भी घबराइए नहीं, लाइट्स ऑफ होते ही माइक के पास चले जाइएगा। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा नर्वस तो हो ही रहा हूँ। ओहो, मैं कह रही हूँ ना, नर्वस होने की कोई बात नहीं। मैं रिकॉर्ड लगाकर आपको भेज दूंगी, तब तक आप यहीं चलिएगा। अच्छा। जाने से नाम आते हैं, किसको मालूम था मोहब्बत में ऐसे ऐसे मुकाम आते हैं। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें, जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। जमुना किनारे किनारे कभी बिग बिग चोली में सांवरे के संग कभी सांवरे के संग कभी गोपियों की टोली में कहाँ कहाँ पूछा है, कहाँ कहाँ ढूंढा है, कहाँ देखा है तुम्हें। जगी जगी अखियों के सपनों में जाने कहाँ
कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। नमस्ते लीला जी। नमस्ते जी। जी जी जी, ये जगह बहुत सुंदर है। जी हाँ जी जी। आज थोड़ी ठंडक भी है ना जी। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठिए। शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कहिए जी। मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। आप मेरी तस्वीर क्यों बनाना चाहते हैं? आप बहुत खूबसूरत है। बात यह है कि हर खूबसूरत चीज पर मैं जान देता हूँ जी। मेरा मतलब मैं उसकी तस्वीर बनाता हूँ। तो बनाइए। अग्नि, आज शाम को 5 बजे। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उनको ऐसे ही पसंद है। पसंद है। छोटी भाभी, आपको कौन सा अचार पसंद है, नींबू का या आम का? मुझे मिर्च। छी, मुझे तो आम का अचार बहुत पसंद है। अच्छा, आपके भैया को कौन सा अचार पसंद है? तुमको जो पसंद है, आम का। सच? भाभी, आपके भैया कहाँ तक पढ़े हैं? एमए पास किया है। एमए? हाँ, एमए। भाभी, बहुत अच्छे हैं आपके भैया। वो आते क्यों नहीं यहाँ? मैं तो रोज उनकी राह देखती हूँ। हाँ, तब तो रोज आना पड़ेगा। क्या? मैं कह रही थी कि वो आ जाने वाला है। कब? शाम को। ओह, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। भाभी, वो जब आए तो आप मुझे जरूर बुलवा लीजिएगा। अच्छा, और सुनिए, उन्हें ये ना बताइएगा कि मैं रोज ही उनकी राह देखती हूँ। और कह दिया तो? हाँ भाभी। अच्छा अच्छा, नहीं कहूँगा। मेरा मतलब है, नहीं कहूँगी। आखिर मैं भी तो औरत हूँ ना। अच्छा भाभी, मैं अब चलती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। सत्यानाश। शेखर। हाँ? यार, बैठे बैठे और एक मुसीबत मोल ले ली। क्या? बातों बातों में गीता से कह दिया कि आज शाम अरुण आ रहा है। तो फिर इसमें मुसीबत क्या है कि? अरे, अगर वो एक साथ अरुण और उसकी बहन को देखना चाहे तो? हाँ? तो अब क्या होगा? एक ही रास्ता है। आज शाम को 6 बजे हम तीनों को सिनेमा जाना होगा। शाम को 6 बजे? हाँ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? जाना ही पड़ेगा। अरुण। गीता। ओ गीता। ए अरुण, शाम को मुझे बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। हट, तेरी अपॉइंटमेंट कैसे कैसे? चल, हट यहाँ से, चल। क्या है छोटी भाभी? गीता, आज 6 बजे के शो में हम लोग सब पिक्चर जा रहे हैं। अरे भाभी, आज तो आपके भैया आने वाले हैं ना, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। हम लोग तो होंगे नहीं, तुम जरा देखभाल करना। अच्छा अच्छा, आप फिक्र ना कीजिए, मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी। सुनो, वो बहुत शर्मिला है, उससे जरा प्यार से बातें करना है। अच्छा अच्छा। और अगर हो सके तो कुछ कलाकंद और दालमोठ मंगा के रखना। क्यों? उसे बहुत पसंद है। हाँ, तब तो मैं जरूर मंगवा के रखूंगी। अच्छा, अब आप जाइए, फिक्र ना कीजिएगा, मैं खूब अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। अच्छा, जाइए। नमस्ते। नमस्ते। ये लोग सब कहाँ चले गए? सब लोग पिक्चर देखने गए हैं। अच्छा, आइए ना, अंदर बैठिए। चलिए। बैठिए। थैंक यू। रघु, जल्दी से चाय लेकर आओ, और सुनो, साथ में थोड़ा सा कलाकंद भी। अच्छा जी। माय गॉड, आपको कैसे मालूम हुआ मुझे कलाकंद पसंद है? आपकी सूरत देख के। असल में बात यह है कि कलाकंद मुझे बहुत पसंद है। अच्छा? हाँ। रघु, थोड़ी सी दालमोठ भी लेते आना। दालमोठ? ओह, अब आप ये कहेंगे कि आपको दालमोठ भी बहुत पसंद है? सचमुच? हाँ? हमारे टेस्ट कितने मिलते हैं?
लेकिन ये बड़ा जुल्म है। जुल्म? कैसा जुल्म? जुल्म नहीं तो और क्या, यही कलाकंद दालमोट इतना कुछ मिलने पर भी हम एक दूसरे से कितने दूर हैं, है ना? मैं कितना कम मिली हूँ आपसे, फिर भी ऐसे लगता है जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूँ। हाँ, शायद कहीं पिछले जन्म में हम। हाँ, कहिए ना, क्या थे हम पिछले जन्म में? पिछले जन्म में हम वही थे जो अगले जन्म में होंगे। अरे, अभी अभी तो ये आसमान साफ था, अचानक ही बारिश कहाँ से आ गई? आ गई नहीं, मैंने बुलाई है। वो कैसे? मैंने कहा, ए बद्री, अभी ना बरस कि वो आ सके, फिर जम के बरस कि वो जा न सके। अच्छा, तो फिर ऐसे कविता पढ़िए ताकि ये चली जाए। जी नहीं, अब ये कविता से नहीं जाएगी। तो फिर? अब इसे कविता से भी बड़ी चीज चाहिए। वो क्या? संगीत। गाना गा के देखिए, बारिश एकदम बंद हो जाएगी। सच? लीला जी। आ जी, 5 बजे का वक्त दिया था ना तस्वीर बनाने के लिए, मगर आप तो सिनेमा गए थे ना भाभी के साथ। जी, आपसे भी तो बातें किया था ना। तो उनसे क्या कह आए हैं? यही सर दर्द वगैरह। क्या मतलब? तो आप अपनी पत्नी से झूठ बोल के आए? पत्नी से थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता लीला जी, नहीं तो आदमी इस दुनिया में कुछ भी ना कर सके। कितनी बुरी बात है, वो अकेली बैठी होंगी। आप जाइए। आप मेरी आशाओं को इस तरह मत ठुकराइए लीला जी। छी लीला जी। तो क्या संगीत ही आपका जीवन है? जी नहीं, कुछ और भी है। और क्या? और गीता, सुन तो, क्या हुआ? इधर आए, खास बात। ओह अरुण बाबू, मैं अभी आई। अरे तू? हाँ, वो अपॉइंटमेंट सब घोटाला हो गया। मर गए? मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी कि छोटी भाभी के साथ शेखर बाबू की नहीं पटती। इसका मतलब है कि वो मेरे साथ? हैरानी है, इतना गुनी आदमी मगर। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की बातों के बीच में टपक पड़ा। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? जी हाँ, वो जीजा जी को हार्ट ट्रबल हो गया है ना, जब भी तो सिनेमा से लौट आए हैं। मैं दीदी को लाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, नमस्ते। हार्ट ट्रबल नहीं अरुण बाबू, उनको स्वीट हार्ट ट्रबल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इब क्या करेंगे, इज्जत का भाजी पाला हुई गवा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। अरे भाई, हम लोगों ने क्या किया? क्या किया है? और सकरवा तो डूब मरना चाहिए। बाजी कमीने, तू हम सबको जेल भिजवा के रहेगा। अरे बोल ना, तो का हुआ का? अरे होगा क्या, मोहब्बत। ए सुन, ये माना वो हंसी है, अरे वो जिस पर फिदा हो तुम। ये मत भूलो मगर शेखर कि अब शादी शुदा हो तुम, ये बीवी और मकान दोनों हाथ से चले जाएंगे, समझे? ये अनहोनी नहीं होगी। बस मुझको मोहब्बत हो गई है, ले ले ठंडा पी ले, मेदे की गर्मी है, दिल पे चढ़ गई है रे। अरे कुछ नहीं है, धड़के तेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है रे। अब क्या होगा यारो, क्या होगा भाई, दिल के जल जाने से कोई सर की नत भी जल गई है रे। दिल जलता है तो जलने दे, अब हमको मोहब्बत हो गई है, अब हमको मोहब्बत हो गई है। अबे होश में या कुछ होश में या, घर वालों को मालूम हुआ तो एक मुसीबत होगी, और उस पे वहाँ वो नूर जहाँ भी जान गई तो खैर नहीं, तब और कयामत होगी। वो चाल कयामत की चल कर जब आँख के सामने आते हैं, दो हाथ कलेजे पर उठ कर एक दिल को थामने आते हैं, उनकी वो चाल कयामत है, हर बात में एक नजाकत है, हर बात में एक नजाकत है।
और आपके हाल पे लानत है, हर बात में एक हमाकत है। इस यार का यारो क्या होगा, नादान का यारो क्या होगा। अरे नादान पगले तो क्या करने लगा है तू, जरा से दिल की खातिर खाम खा मरने लगा है तू। ये दिल सबको बनाता है, तुझे भी वर गलाएगा, हमें बाहर निकालेगा, तुझे अंदर कराएगा। मैं उसके दर पे सर रख कर घर के बाहर मर जाऊंगा। मैं उसके दर पे सर रख कर घर के बाहर मर जाऊंगा। कि मुझको मोहब्बत हो गई है, कि मुझको मोहब्बत हो गई है। शेखर भैया यूं नहीं करते, इतनी ऊंची आह नहीं भरते। शेखर भैया यूं नहीं करते, झूठ मूठ की शादी कर लो, सच्ची सच्ची इश्क नहीं करते। शेखर भैया यूं नहीं करते, मरना हो तो इस पे मर लो, और किसी पे यूं नहीं मरते। मैं उस पर पूरा मरता हूँ, वो कुछ कुछ मुझ पर मरती है। मैं उसको सही समझता हूँ, वो मुझको गलत समझती है। चुप रह। ये हालत कैसी हो गई है, ऐसी की तैसी हो गई है। शेखर को मोहब्बत हो गई है और हमको मुसीबत हो गई है। शेखर को मोहब्बत हो गई है, ऐसी की तैसी हो गई है और हमको मुसीबत हो गई है। अनहोनी बात थी, हो गई है। मुनीम जी। जी इल्ला सीताराम के घर का नवा पता हो और उसे कह दिया कि बहू के यहाँ से ले जाकर कुछ जल्दी इंतजाम करे। बहुत अच्छा मालिक। मुनीम जी। जी एमन मिठाई हो, तनिक संभाल के ले जाए। आप फिक्र न करें। हाँ। बस अब जय गणेश करा। जय गणेश। जय सियाराम। उनसे कह दिए कि हमरे पति सुंदर सुंदर बिंदिया और लाल लाल चुट्टी भेजती है। बहुत अच्छा। और ला ये चिट्ठी क्यों के सामने मत दी है। हमका इतना बुद्धू समझते इनका। नहीं नहीं और कह दिए कि जल्दी आई है, बहुत जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोरानी। अच्छा जय। यहाँ सीताराम पांडे कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। वो है नहीं। शाम को 4-5 बजे तक आएंगे। बड़ी बहू को बुलाऊं? बड़ी बहू? ये बड़ी बहू उनका कौन है? कैसा पागल आदमी है। बड़ी बहू सीताराम पांडे की बीवी। बीवी? हाँ वो रही। बाप रे। कौन है? अरे हम हैं सोलो यार। पांडे भैया एक किसनवा बड़ी खुशखबरी है, तेरी नौकरी मिल गई। अरे नौकरी? हुरे इबे पुरे इबे पुरे। अरे काहे पर हल्ला मचा रहा है यार? अरे तेरी बीवी को नौकरी मिली है ना, हल्ला तो क्या खत्म मचा दूंगा। इबे पुरे इबे पुरे। पागल है। एक किसन ई का सब लोग इतना खुश हैं और तू रो रहा है? हाँ अब सबका साथ छूट जाएगा ना। हाँ यार। अरे तो इसमें कहा है थोड़े दिनों बाद में कोई नया मकान ढूंढ लेंगे, फिर पांचों साथ में रहेंगे। अरे तो मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो चल तू अभी से तैयार हो। चल 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 चला। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मौसी बड़ी बहू अपने मायके जा रही है।
क्यों एकदम से? एकदम से तो मौसी मौसी इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई बेटा? उल्टी बिल्टी आती है क्या? उल्टी? हाँ मौसी उल्टी तो बहुत आ रही है। समझी बड़ी बहू, पता चला मेरे ताबीज का। शिव जी के मंदिर से मैं लाई थी तुम्हारे लिए। हाँ ऐसी वक्त में तो अपने ही के पास रहना चाहिए। बड़ी बहू बहुत होशियारी से रहना समझी। अरे मौसी तो बहुत ही होशियार है। अरे बड़ी जरा मौसी को नमस्ते कर लो फिर जल्दी से चलें। जीती रहो बेटी जीती रहो। चला तर संभाल के चल। अरे बेटा संभाल के ले जाना बहू को समझे। मौसी आप फिक्र मत कर। दूध हो ना पूतो फलो। सीताराम सीताराम। जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वही तस्वीर की बात? जी नहीं तस्वीर की बात नहीं। बात यह है लीला जी कि वो लोग मुझे डरपोक समझते हैं, मगर मैं डरपोक नहीं हूँ। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर अब भी नहीं समझ रही हैं तो फिर मेरी समझ का कसूर है। समझ रही हूँ, कई दिन से समझ रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको, एक शादीशुदा आदमी। जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं कैसे समझाऊं लीला देवी कि बीवी जैसी होती है वो वैसी बीवी नहीं है। काश आप जानती ये कितना बड़ा झूठ है। क्या बकते हैं आप, सब झूठ हो सकता है लेकिन अग्नि देवता के सामने लिए हुए फेरे कभी झूठ नहीं हो सकते। किस भंगी के फेरे हुए? और वो अग्नि देवता? खामोश। अगर आप एक कलाकार ना होते तो मैं आपकी चंदिया साफ कर देती। बंद करिए बकवास। छी हटाओ ना छोटी भाभी, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। नहीं गीता ये झूठ नहीं, भला मैं अपने भाई को नहीं जानती। फिर बताओ वो यहाँ रोज रोज क्यों आता है? आते होंगे अपनी दीदी के पास। हाँ मगर उसका दिल और किसी को ढूंढता है। किसको कहूँ? कही तो कह भी दो ना भाभी, इतना क्यों डर पाती हो तुम्हें? गीता तुमने बुरा तो नहीं माना? बुरा मानूंगी तो तुम क्या करोगी? उसका आना ना एकदम बंद कर दूंगी। नहीं नहीं भाभी ऐसा मत करना, क्या पता तुम जो सोचती हो वो बिल्कुल गलत हो। फिर वो जब भी आता है तुम्हारे बारे में क्यों पूछता है? क्या पूछते हैं वो मेरे लिए? यही गीता क्या बोलती है, गीता क्या सोचती है, बुरा मानो या भला हम तो तुम पर लट्टू हो गए। क्या? एक ही बात है, हम दोनों जुड़वा भाई बहन नहीं है क्या? छोटी भाभी क्या बात है लीला? जरा सुनिए तो। क्या बात है लीला? आप जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए शेखर बाबू आखिर किस लिए? क्या किस लिए? लीला तू क्या कह रही है? भाभी सुनेगी तो आपको बहुत दुख होगा पर मजबूरन मुझे कहना ही पड़ता है, वो मुझसे इश्क फरमा रहे हैं। मैं मर गई। मैं जानती थी आप सुनेंगे तो क्या बीतेगी आपके दिल पर, लेकिन मुझे कहना ही पड़ा क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ आप भी एक औरत हैं। रोने से क्या फायदा छोटी भाभी, आप जरा सख्त हो जाइए सब ठीक हो जाएगा। ए शेखर अरे तू मर जा, कुछ खा के मर या डूब के मर, बेशरम शरम नहीं आती। अरे पापा जानते हो लीला ही पहली लड़की है जिसे देखकर मुझे हिचकी नहीं आई। अरे तुझे नहीं आती तो क्या हुआ, हम चारों को जो हिचकी आने लग गई है। अरे बेशरम शादीशुदा होने के बाद में भी इज्जत फरमा रहा है। कौन कहता कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं तो लीला जी से साफ साफ कह दूंगा कि ये सब झूठ है। क्या? हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं कि मैं जिसे प्यार करूं वो मुझसे नफरत करे। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हो? ये कहा है? कहा बोला रे? मैं इसे जान से मार डालूंगा पांडे भैया। अरे बन गवा काम। क्या जान से तो मरना पड़ेगा लेकिन शेखर तुझे नहीं, छोटी हाँ तुझे जान से मरना पड़ेगा रे। अरे वाह
इतना सुंदर संसार छोड़ के मैं क्यों मरूं बाबा? ए छोटी, अगर तू नहीं मरेगी ना तो ये शेखरवा इशक में कभी कामयाब नहीं होगा, और जब तक तू जिंदा है ना तब तक ये बेशरम गद्दार जो आज गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है ये इसी तरह सड़ सड़ के मरेगा। वो जो लीला है ना लीला, वो इससे मोहब्बत करती है कारण कि ये कलाकार है, लेकिन वो इससे नफरत भी करती है कारण कि ये शादीशुदा है। अब अगर तुम दोनों हमार इतनी सी बात मान लो ना तो तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। बोल बोल। देखो एक ही तवे पे है तुम दोनों रोटी पका सकते हो फटाक फटाक। मतलब ई कि अगर तेरा स्वर्गवास हो जाए है तो शेखरवा का भी काम बन जाएगा, और गीता तो तेरी है ही, तेरी भी लाइन के लिए। अरुण अरुण तुम आजा, तुम आजा प्लीज, तुम आजा अरुण। अरे इसमें तेरा भी फायदा है। मरूंगी मरूंगी सखी निश्चय मरूंगी। क्या हुआ, घूर क्यों रही हो मेरी तरफ? सोचो कल सबको पता चल जाए कि तुम एक मर्द हो। अरे रे भाभी सुनो तो, मैं तो मजाक कर रही थी, उस मैगजीन में यही लिखा है कि कभी कभी औरत मर्द बन जाते हैं और मर्द औरत। अगर एकाएक तुम मर्द बन गई तो? नहीं रे, मुझे तो उल्टा डर है कहीं औरत ही न रह जाऊं। क्या? मेरा मतलब है मैं मर्द नहीं बनना चाहती, अगर मैं मर्द बन गई तो तुमसे प्यार की बातें कैसे करूंगी? अरे इसमें क्या मुश्किल है, तब भैया तुम्हें तलाक दे देंगे और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्या सच? बिल्कुल सच। नहीं नहीं अभी नहीं, वो शादी हो जाने के बाद। हाँ गीता मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। क्या? मैं मायके जा रही हूँ, आज ही घर से तार आया है, अरुण की शादी तय हो गई है। क्या? हाँ माँ बाप ने शादी तय कर डाली। गीती क्या हुआ? अरे तुम रो रही हो? मेरा क्या होगा भाभी? पगली कहीं की, इसलिए तो मैं जा रही हूँ। अरुण ने कहा है वो हरगिज ये शादी नहीं करेगा, चाहे जैसे भी हो ये शादी मैं रुकवा दूंगी। भाभी ये लो, इसको आंखों में लगा लो, खुद ब खुद रोना आएगा। जलेगा यार। अरे रोज के जलने से तो एक दिन का जलना अच्छा। रेडी लगा लिया? वन टू थ्री फोर। छोटी हम लोगन को छोड़कर चली गई मौसी, उसका पाँव में एक खिला घुस गया, उसका टिटिनस हो गई, मर गई। अरे तनी चुप रहा, चुप रहा तू। अरे चुप रहा, तू तो ऐसा रुआ था जैसे वो मर गए हो। तू अपने आँखी से देख ले। हाँ सरकार अपने आँखी से देखे हो, हट्टी कट्टी गोरी सकल की छोड़ी हो। अरे बहू चुप रहा, तू चुप रहा। लेकिन मालिक ओके देखते ही उल्टे पाँव भाग आए।
मिठाई का हड़िया नहीं दिए। अरे भाड़ में जा तू अटार मिठाई का हड़िया, हम वो कुत्ता के पिल्ला के कान पकड़ के शहर जाब खींच लिए आए, और जो नाई ताम बाप है तका ओकर श्राद्ध कह दे, श्राद्ध कह दे। हरि ओम प्रियम शिष्टा देवम महेश नेत्र चतुर्मुखम गायत्री सहतम देव विष्णु आवाहयाम्यम अन्न का पिंड सुष्टु पिंड हम संप्रदे स्वर्गीय का नाम जी जी श्रीमती अरुणा देवी स्वर्गीय अरुणा देवी तस्य पिंड दान हम करीशे। मैं अब गई उनकी मौत का कारण हूँ, मैंने उन्हें भेजा था। क्या जानती है यार, वो आपकी शादी तोड़ने गई थी मेरे लिए, जिस काम के लिए वो गई थी उसे पूरा कर गई है। मरते समय कह गई है कि आप और हम एक हो जाए। दीदी रोइए नहीं अरुण बाबू, छोटी भाभी जो कह रही है पूरा होकर रहेगा, देखिए तो। लीला बहन, क्या है भैया? हमको आपके साथ कुछ गुफ्तगू करनी है, क्योंकि आप बहुत रहमदिल है ना। बोलिए ना। ये जो अपना दोस्त है ना शिखरवा, इसके बारे में हम सोचते सोचते मर गए। बड़े बाप का एक लौता एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा, साल में लाख डेढ़ लाख की आमदनी, और फोटो तो ऐसी बनाता है कि हर साल इनाम मिलता है, और कविता, अरे बाप कविता ऐसी लिखता है, वाह 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 वाह। अच्छा कविता भी लिखते हैं? हाँ, और नहीं तो कहा। उसका वो शेर है ना, शेर का है शेर बबर है, का है शेर कि दोस्ती नहीं होती है गालिब। नहीं फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन ये शिखरवा बहुत दुखी है, अपनी बीवी से भी नहीं पटती, वो बेचारा दिल में चुपके चुपके किसी और से प्यार करता है। आर्टिस्ट है ना, ये कम वक्त आर्टिस्ट लोग ऐसे ही करते हैं। लीला बहन तुम जरा इसका ख्याल रखोगी ना? बोलो ख्याल रखोगी ना? अच्छा रखूंगी। कहा बोली रखूंगी? ए प्रभु, अरे अब तो इन दोनों का जोड़ी जमा दे, बोल जमाएगा ना? अरे जमा दे यार। का डरने की कोई बात नहीं, हाँ रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, दवा मैं भेज देता हूँ, सवेरे मुझे खबर पहुँचा दीजिए। बहुत अच्छा। ए सुरेश, डॉक्टर बाबू के साथ जा, दवाई ले आओ। अच्छा। मौसी जब तक हम सब हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम सब आओ ना, इधर आओ हमारे साथ। सुन लिया ना, अब दो चार दिन बराबर देखभाल करनी पड़ेगी। अब ऐसा करो 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक गीता और लीला की ड्यूटी है, और 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक अरुण की और तेरी ड्यूटी। मगर पांडे दोनों लड़की अकेली। अरे ये दो अकेली कैसे हो सकती है भाई? मेरा मतलब ये है अगर डर गई तो। हाँ हाँ पांडे भैया, हम दोनों अकेली डर जाएंगी। हाँ, अच्छा तो फिर ऐसा करो, 10 बजे से 2 बजे तक तुम और शेखर, और 2 बजे से 6 बजे तक अरुण और अपना लीला, क्यों गीता ठीक है ना? क्या ना? अच्छा मगर पांडे भैया लीला को 2 बजे के बाद सख्त नींद आती है और आंखें आंखें खोल ही नहीं पाती है ना लीला? हाँ हाँ भैया। अच्छा समझ गए, अब जैसे तो हाल लोगन की मर्जी, तो देखो जोड़ी ऐसी बनेगी अरुण और गीता, शेखर और लीला, मगर देखो देखभाल मिश्रा जी की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को आपस में देखने लगो, समझी? अरे हम सब समझते हैं यार, चला अब ड्यूटी पर लग जा, खिसका चला 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 हो। जम गई जोड़ी, मजा आ गया। मौसी जी आप जाके सो जाइए। पंखा मुझे दीजिए। रहने दीजिए। नहीं नहीं आप थक गई हैं। Mm-hmm.
लीला जी, लीला जी, जाइए, आप ही सो जाइए। नहीं नहीं, उठिए उठिए। हमारे के पड़े नहीं सरकार। अरे नहीं का, हम तो शहर जाते हैं
वो कुत्ता के पिल्ला के खत्म कर दे और ना ही तो खुद मर जा। हाय राम, तनी शांति से काम ला। शांति? कौन शांति? ओ उस ससुरा शांति से काम ले ले भाई कि हमारी ले घर में लक्ष्मी छोड़ के और शहर का लौटिया ससुरा जाके मोरी में गिरे रहो। हम तो शहर जाते हैं बोटी बोटी काट डाली और टुकड़ा टुकड़ा कर दे। तनी के घर मुंह देखा लेकिन तनी को ख्याल नहीं तो के ख्याल? अरे यही के बदल तो हम जान ले जाते ही नहीं तो तू विधवा हो जाए। हो सकला कि तू दूरों जानी विधवा हो जाए। कोई बात नहीं, सनातन के घर में आइये हो। चल बहू। किसे मिलना है? शेखर यही रहता है? जी हाँ। मैं उसका पिता हूँ। ओह, कहाँ है वो? वो अब तक लौटे नहीं है। आप हमारे पास आराम कीजिए, तब तक वो आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए दवाई खा लीजिए पिताजी। अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ, अब इसकी क्या जरूरत? ओफो, तुम्हारे कहने से थोड़े ही चलेगा। डॉक्टर जो कहते हैं खाना पड़ेगा, खा लो। आंखें बंद करिए और खा लीजिए। लीजिए लीजिए। मामा जी, ये शेखर बाबू के पिता है। नमस्ते। मुझे शिव शंकर राय कहते हैं। आइए राय साहब, बैठिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठिए। आप हैं मेरी पत्नी। नमस्ते। और मेरी बेटी गीता। लीला से तो आप मिली। हाँ हाँ, बैठिए। बैठो बेटी, बैठो। अरे बेटी, इनके लिए कुछ चाय वाय तो बनाओ। नहीं नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी। अभी ले आती। अच्छा, शेखर को आने में देर होगी क्या? अजी देर भी का है कि आज शनिवार है, बस आता ही होगा। मेरा मतलब है, समझ गए ना आप? राय साहब, बच्चे कैसे हैं? बच्चे? किसके बच्चे? शेखर के। बेचारों की माँ बहुत कम उम्र में चल बसी। आप कहते क्या है? शेखर की बीवी? शेखर ने शादी कब की? तो आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, कुछ नहीं। तो उसने आपसे छुपाया होगा। मेरा मतलब है, समझ गए ना आप? बहू यही थी, बड़ी हंसमुख थी बेचारी। लव मैरिज, इसीलिए घर जाने का नाम नहीं लेता। उसकी ये हिम्मत, आने दो उसे। अब जल्दी से सुरसवा का कहीं टाका भर जाए ना तो समझो गंगा नहा। क्यों भाई, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? है शेखर बाबू जी। कहा है गीता? आपके पिताजी आए हैं। पिताजी? हाँ, बुला रहे हैं आपको। क्यों? आपको पता लग गया है कि आपकी मैरिज हो गई है। चलिए जल्दी आइए। क्या हो गया? अरे भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। अब तो नाटक का क्लाइमेक्स शुरू हो गया। आवा हमारे साथ। तूने मुझे पिता कहा? ना मैं तेरा बाप हूं, ना तू मेरा बेटा। बता, किस लड़की के साथ शादी करके हमारी नाक कटवाई है? नहीं पिताजी, मैं हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है, तूने लव मैरिज की है। तेरी लव मैरिज की ऐसी की तैसी। 3 साल से मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं और तूने? पिताजी जरा सुनिए तो। बस बंद कर बकवास। मेरी जायदाद से एक पाई भी तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। कल ही मैं वकील बुला के किसी को बुला के ले आया। सुन, टैक्सी सारी जायदाद जान दे दूंगा। मेरा नाम शिव शंकर राय है। शिव शंकर राय? शिव शंकर जी, मैंने कहा जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। वो तो चली गई। वो चली गई तो ये भी चला जाएगा। मेरा बेटा मर गया है, मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं। आ बाबू, कहां है वे रे कुत्ता का पिल्ला? ए लला, अपिल्ला का बहू भी आ गई, मर गई थी। बाबू, अरे तू हो? हाँ, मैं हूँ। देखे आने कौन परी के साथ मजा लेता है? परी? नहीं रे। अरे चुप नहीं रह गए बच्चे, लुच्चा। अरे बाबू, अरे बाबू, हमारी बात तो सुनो। सुने नहीं हम? देखे आने तो हर लाश। बाबू, ये है मजा। हाँ, अभी ये है। ऐसा
कौन सी फिल्म देख ली तूने? कहीं राजेंद्र कुमार की सूरज तो नहीं देख ली? अरे भवानी, अरे वो नही हो, वो तो हमार बहन है। अरे मर गयी बहन है। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरा मतलब समझ गए? अरे सब मतलब समझाते हैं, सब मतलब समझाते हैं। मिश्रा जी हमारे बापू है और ये हमारे बीवी। बीवी? अरे वो जो मायके में बच्चा जन्मे गई है वो कौन है? बच्चा जन्मे? अरे सती भाई, अरे सती भाई, ये तो मेरे लुच्चे लफंगों की टोली है। अरे नहीं रात रात कोई लुच्चा लफंगा नहीं है, कोई नहीं है। हमका तो नहीं समझो, हम समझाते समय हमें कुछ नहीं। हम तो चौका रबड़ के बापू बापू फांसी के आसामी को भी रगड़ने से पहले तनिक समझ देते हैं। हम तो बाहर पिल्ला है, हमका तनिक समझ दो बापू। अरे कहा बोले, हमारा आवाज बैठ गया, हमका देखो ना बुरकत बना दिया। अरे वो देखो वो आ गए, वो देखो वो आ गए, वो आ गए। ये देखो, ये देखो, ये छोटी बहू, छोटी बहू, भूत बाबू, भूत, छोटी बहू, छोटी बहू, पिता की माँ। क्या बोल रही थी? मौसी और मिश्राजी, ये भूत नहीं, ये तो इंसान है। ये हमारा दोस्त अरुण मरद है। ये देखो, और ये देखो, ये कौन है? ये है बड़ी बहू जो हमारी बीवी थी। इसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नहीं, ये किशन है। ये देखो चोटी हाथ में। मिश्रा जी हम आपको सब समझाते हैं। मिश्रा जी आपने हमको कहा था ना कि हम बगैर शादी शुदा ये मकान किसी को नहीं देंगे, इसलिए। अरे हम तो मर गई ली। पानी 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 पानी। अरे इन सबों ने तो हमें खूब उल्लू बनाया। इतने दिन साथ रह के भी नहीं पहचान सके, मेरा मतलब है समझे ना। अरे इसने पूरे बारूपिया है। हाय भगवान, आजकल के लड़कों से तो भगवान ही बचाए। लेकिन मिसेस मिश्रा, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, सजा की क्या जरूरत है? बस इतना सब कुछ हो गया वो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सजा जरूर होगी, और वो क्या सजा होगी मालूम है? क्या होगी वो सजा? ये होगी के ऐसा धड़ाका तो असली शादी में भी नहीं हुआ था। अब तनिक मुंह दिखाई दे। अरे दिखाओ ना। ए सती, ए सती सुनो, सती हमारी बात सुनो। अरे हमारी बात सुनो, सुनो ए सती, ए सती। अरे अरे खोल ना सती, खोल दे भाई। ई का बचपना है भाई? ए सती तो हार सत्यानाश हो, ई का बचपना है? अब वही तक जिक्र संग घर बसोला है, अब वही के लेके रहा। अरे सतिया, ए सतिया हमार बात तो सुनो, नहीं तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। ए सतिया देखा, इसीलिए कहते हैं कि शादी मत करो। रहने को घर दो, छत पे हम बरसिया।